बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। बॉलीवुड में इमरान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज उन्हें बॉलीवुड का सीरियल किलर कहा जाता है। इमरान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म फुटपाथ से की थी। हालांकि उन्हें पहचान मलिका शेरावत के साथ फिल्म मर्डर से मिली थी। इमरान ने बड़े पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वो हर तरह के किरदार निभा सकते हैं। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर फैमिली मैन है। डायरेक्टर मोहित सूरी और इमरान हाशमी कजिन भाई हैं। एक्टर की लव लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है। बॉलीवुड में आने से पहले ही इमरान जिनके प्यार में पड़ गए थे, जो बाद में उनकी वाइफ बनी, फिल्म में दिखने के पहले से ही वो एक लड़की के प्यार में पड़े थे जिसका नाम था परवीन। उस वक्त परवीन एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी, टीचर जिसे इमरान प्यार कर बैठे और दोनों ने 12 दिसंबर 2006 को इस कपल ने शादी की। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को 6 साल डेट किया। इमरान अपनी लाइफ के बारे में पब्लिक में कभी डिस्कस नहीं करना चाहते, इसलिए वो बहुत कम ही परिवार के साथ या बीवी के साथ कहीं बाहर स्पॉट होते हैं। 2010 में कपल का एक बेटा हुआ जिसका नाम अयान है। साल 2014 में अयान की किडनी में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। इमरान ने बेटे के बारे में अपनी किताब द केस ऑफ लाइफ में डिटेल से बताया। इमरान ने लिखा, अयान का कैंसर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी। अयान अब पूरी तरह से कैंसर फ्री हुए हैं, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी थी। इमरान हाशमी ने वैसे तो लगभग अपनी हर फिल्म में जबरदस्त किसिंग सीन दिए हैं। इमरान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसिंग सीन फिल्माते वक्त उनकी वाइफ वहां मौजूद हो। वहीं पर्दे पर इस तरह के बोल्ड रोल करने वाले ये एक्टर रियल लाइफ में जरा शर्मीले हैं। दरअसल फिल्म जगत में आने के बाद से करीब हर दूसरी फिल्म में उन्होंने हीरोइनों के साथ इंटीमेट सीन दिए, पर आज तक उनका नाम किसी के साथ अफेयर में सामने नहीं आया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और E24 की तरफ से इमरान हाशमी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएँ।